तो आज जो है वो आप लोग देखेंगे कि बुद्धिस्ट जो है वो किस तरह से इबादत करते हैं। और ये जो बुद्धा था जो हमने पीछे देखा ये 300 साल पुराना था। एट द एंड जो है वो इनका सबसे बड़ा बुद्धा आता है, तो वो जो बुद्धा है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। ये देखिए इस तरह से ये लोग, हर रिलीजन में चंदे का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो पैसे देखें आप पूरा का 5th सबसे आखिरी, और इसके अंदर का जो बुद्धा है वो सबसे बड़ा बुद्धा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज जो है वो हम लोगों ने जाना है लामा टेंपल पे, जहाँ हम लोग कल नहीं जा सके थे। तो लामा टेंपल जाएंगे और उसके साथ ही जो है वो है एक खूतोंग स्ट्रीट है, वो हम लोग विज़िट करेंगे, जो कि ओल्ड जो पीजिंग है उसकी जाने की तरफ से बना हुआ है। तो आज का जो व्लॉग है वो हम शुरू करते हैं यहाँ से। सब्जे में जो है वो रेस्ट चेक करें। लामा टेंपल का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो लामा टेंपल है ये पहले रॉयल पैलेस होता था, और फिर बाद में जो है ये बुद्धिस्ट की जो है क्या नाम है वो इन लोगों ने बना दी थी प्लेस। बीजिंग में सबसे जो बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है वो ये लामा टेंपल है। तो आज जो है वो आप लोग देखेंगे कि बुद्धिस्ट जो है वो किस तरह से इबादत करते हैं, उनकी इबादत देखेंगे, और उन लोगों के जो जिसके सामने वो इबादत करते हैं वो किस तरह से होते हैं वो सारा आप इस व्लॉग में देखेंगे। माइट बी कि ये चीज़ आप लोगों ने पहले ना देखी हो कि बुद्धिस्ट जो हैं वो किस तरह से इबादत करते हैं। ये तो नहीं है। और ये जो है एंट्रेंस है, अभी हम चलते हैं अंदर। सिक्योरिटी चेक हमने क्लियर कर लिया। तो ये जो है आपको सामने जो है वो धुआं नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जो है वो वहाँ से इबादत जो है वो स्टार्ट हो जाती है उन लोगों की। तो अगरबत्ती टाइप जो है ना इनकी यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आप लोगों को भी एक फ्री मिल जाएगी एक टिकट के ऊपर, उसका बंडल यहाँ पे फ्री मिलता है। तो लेट्स सी, अभी वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो एक ये बंडल जो है वो आप लोगों को फ्री मिल जाता है यहाँ से। तो अब हम चलते हैं अंदर और ये मैं दिखाता हूँ कि इससे ये लोग इबादत करते हैं। ये खुशबू वाली है, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और अब अगर आप मेरे सामने देखें तो यहाँ से इनका जो है वो पहला बुद्धा आता है, तो यहाँ ये इसको जलाते हैं और जला के दुआ वगैरह करते हैं, और अंदर जो है वो इनका जो है वो बुद्धा होता है, और ये लोग बाहर जो है इसको बर्न करके और इबादत करके अपनी दुआ वगैरह मांग के तो उस ड्रम के अंदर जो है वो इसको फेंक देते हैं और सारी की सारी जल जाती है। ये देखिए इस तरह से ये लोग यहाँ पे इसको जला के ऊपर से इसका धुआं निकल रहा है, और मैं आपको उधर से आगे भी दिखाता हूँ। यहाँ से आपने इसको जलाना है, और जलाने के बाद इस तरह से जो है ना आपको इसके ऊपर बैठ के ये लोग यहाँ से लाइन बना लेते होते हैं, और एक एक करके जो है वो बंदा आगे आता रहता है। और अंदर जो है अभी हम जाएंगे, अंदर जो है वो बुद्धा है, और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बुद्धा जो इनका है अंदर। ओके ओके, हाँ ये है इनका बुद्धा। तो अभी तो यहाँ पे जो है वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी ट्राई करूंगा कि हर जगह थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूँ। और ये जो बुद्धा था जो हमने पीछे देखा ये 300 साल पुराना था। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे जैसे हम आगे आगे जाते जाएंगे जो बुद्धा का साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, और आपको हर स्टेप पर नजर आएगा कि लोग पहले वहाँ पर जैसे इबादत कर रहे थे वैसे इबादत वो नेक्स्ट भी करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, और ये साइड पर जो है इनके म्यूज़ियम टाइप हैं, यहाँ पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो ये देखें सेम यहाँ पे भी ये लोग वैसे ही। यहाँ से आप नहीं जा सकते लेकिन साइड से जा सकते हैं आप लोग, अंदर देख सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। एट द एंड जो है वो इनका सबसे बड़ा बुद्धा आता है,
तो वो जो बुधा है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, वो बिल्कुल नहीं दिखाने देते। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि वो बुधा भी मैं आपको दिखा दूँ। धुआँ जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ ज़्यादातर स्टे नहीं कर सकते, तो हम चलते हैं अंदर। मैं जब अंदर जाता हूँ तो मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि वो तो एक सेकंड के बिल्कुल मैं शॉर्ट बनाता हूँ, वो इस वजह से क्योंकि अंदर कैमरा जो है वो अलाउ नहीं है। ये हम जा रहे हैं फोर्थ वन के, और ये जो बुद्ध है ये बहुत बड़ा है, लेकिन स्टिल जो आखिरी वाला है वो इससे भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो है वो लोग बैठे होते थे, और ये है वो जगह जहाँ पे बैठ के वो अपनी टीचिंग दिया करते थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पैसे हैं ना, ये हर रिलीजन में चंदे का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो पैसे देखें आप, पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो भरा हुआ है, यहाँ आप चंदा दे सकते हैं। और अब जो है ये है फिफ्थ वन, सबसे आखिरी, और इसके अंदर का जो बुधा है वो सबसे बड़ा बुधा है। तो लेट मी शो यू। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बुधा वो इनके लिए ये वाला बुधा है। पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी भी मैं आपको हाइट दिखा सकूँ कि कितना बड़ा बुधा है इसका। तो ये आप देखें, 3 मंजिला ये है। तो ये था लामा टेम्पल। लामा टेम्पल जो है मैंने हम लोगों ने विजिट कर ली। फूतोंग स्ट्रीट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे वापस, और ये जो है हमारे पाकिस्तान की तरह पतली पतली गलियाँ, ये सारी की सारी ओल्ड बीजिंग की स्ट्रीट्स हैं। अभी जो है हम लोग लेते हैं आइसक्रीम। नहीं देंगे वो, यार मुझे दे दो। और ये है बीजिंग की ओल्ड स्ट्रीट, जिसको इन्होंने जो है ना क्या नाम है, वॉकिंग स्ट्रीट बना दी। हाँ जी हाँ जी, अच्छा राइड कर रहे हैं ना शेर की। हाँ, यहाँ चाइना में इनका ये कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी की सारी स्ट्रीट जो है ये हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और एक्सप्लोर करते करते हम वहाँ से एक स्ट्रीट है वहाँ जाएंगे। तो ये है मेरे पीछे तीतान पार्क। यहाँ मुझे नहीं पता था कि हम पहले आ चुके हैं, लेकिन हम पहले आ चुके थे। तो अब आप लोगों को दिखा देते हैं, इधर भी 2-3 चीज़ें हैं, लेट मी शो यू, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेस के ऊपर। अच्छा, तो ये जो है क्या नाम है, सेंटर में एक पॉइंट है कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर कुछ भी बोलेंगे तो आपकी आवाज़ चारों तरफ जो है वो गूंजेगी। और ये जो है चाइनीज कैलीग्राफी है, जो ये बच्चा जो है वो पानी के साथ लिख रहा है करेक्टर। पहले हम खाते हैं खाना, और खाने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो खाना जो है वो हमारा आना शुरू हो गया। पहले हमने स्टार्टर खा लिया था, और ये हमने मटन के टिक्के ऑर्डर किए थे और नान ऑर्डर किया था। ऐसा ऐसा चीज़ें आ रही हैं, तो अभी हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे जो है हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड, आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आई होप कि आपको जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दैट मींस अ लॉट टू मी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।